फॉरम के जरिए तमाम इशारा नंबर 324 के इख्तिताम की जानिब पहुँच चुका है और हमारे साथ दिल्ली हिंदुस्तान से मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली बरकी अजमी। मैं दरख्वास्त गुजारूँ डॉक्टर अहमद अली बरकी अजमी से के सब सदारती कलाम हम सबकी समातों को नजर करें। डॉक्टर अहमद अली बरकी अजमी जनाब शुक्रिया और हमारे अफसर भाई भी वहाँ शिकागो से आ गए, इंशाल्लाह पर आते रहेंगे ये। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग समाज फरमाए। मैं जिनसे पूछता हूँ खबर अपने यार की, करते हैं बात गर्दिशे लैलो नहार की, मैं जिनसे पूछता हूँ खबर अपने यार की, कहते हैं बात गर्दिशे लैलो नहार की। हालत में क्या बताऊँ दिले बेकरार की, सुहाने रूह है ये घड़ी इंतजार की, साथ गुजरने आसार आ रहे हैं खिदा के मुझे नजर, साथ गुजर न जाए यूं ही ये बहार की, कब चारागर करेगा मजावाए दर्द दिल। शुक्रिया। कब चारागर करेगा मजावाए दर्द दिल, हालत है जहाँ गुदाब दिले दागदार की, शुक्रिया। आएगा कब वो पुरसिश अहवाल के लिए, जिसने कबाए रूह मेरी तार तार की, सहने चमन में मुझको समझता है मिसले खार, जिसके लिए हमेशा फजा साजगार की, ये आ रहे हैं आतशे गुल से लगा के आग, अब छेड़िए न बात किसी गुलजार की, दुनियाए रंगबू पे नहीं चाहिए जनाब, गुल है मिसाल हस्ती नापायदार की, वो जिसको तख्त ताज, हुकूमत गुल है मिसाल हस्ती नापायदार की जी, दुनियाए रंगबू पे नहीं चाहिए जनाब, गुल है मिसाल हस्ती नापायदार की, वो जिसको तख्त ताज हुकूमत पे नाज था, दो गज जमीन पे कब्र है उस ताजदार की, दो गज जमीन पे कब्र है उस ताजदार की, ये कल रहे रहे न रहे सोच लीजिए, चार दिन की चांदनी जो इख्तदार की, इस बागबा को गुंचोगुल नापसंद है, गुलशन में हो रही है पदीराई खार की, शुक्रिया। इस बागबा को गुंचोगुल नापसंद है, होता था इसका हाशिया बरदार वो कभी, हालत बनाई जिसने ये खासार की, बरकी के दोस्तों की तादाद बेशुमार, हालत में क्या बताऊं
दिले बेकरार की सवान रूह है करी इंतजार की। आपका शेर था हालत बनाई जिसने इस आबशार की, उस पर मेरे को एक लतीफा याद आ गया अभी फेसबुक पर, एक तस्वीर चल रही, एक मारूफ सियासतदान पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बे इंतहा मतलब करप्शन में उनका बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह उनसे बड़ा नाम ज्यादा ही हुआ, तो उनको वो कोविड का इंजेक्शन लगवा रहे थे, खातून उन्हें नर्स उनको इंजेक्शन लगा दी, तो पूरी कौम ने उस खातून को सलूट किया कि ये वो वाहिद खातून है जिसने उसे टीका लगाया है जिसने पूरी कौम को टीका लगाया है। मैं उस जिसने बनाई हालत उस खाक सार की शेर दोबारा आप जाए हमारी समाज को भी नजर कर दे, हम भी तो बोलते जिसने बड़की साहब की हालत बना दे, होता था इसका आशिया बरदार वो कभी, होता था इसका आशिया बरदार वो कभी, हालत बनाई जिसने ये खाक सार की, दोस्तों हंसना मुस्कुराना खेल खिलाना मौजे सुखन का खास आया, हंसते मुस्कुराते खेल खिलाते अपनी नशिस्तें बरकरार रखते हैं और तसलसल को चला रहे हैं हम यहाँ, हर इंसान के हर दोस्त की जो शेर और सुखन से जुड़ा हुआ है उसकी हौसला अफजाई करते हैं, अगर कोई वो गलती करता है किसी चीज में, कोई वो उसकी खामियां हमें नजर आती है तो हम उसको प्यार मोहब्बत से अदब से एहतराम से बता देते हैं, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, हम समीत सब जो है एक दूसरे से सीख रहे हैं, मोहब्बतों को फरोग दे रहे हैं, फासलों को कम कर रहे हैं, अपने होने का एहसास दूसरे के दिलों पर बहुत प्यार से लिख रहे हैं, तो यकीनन मौजे सुखन अदबी फोरम का खासा यही रहा है, यही वजह है कि आज बेंगलोर से गुफरान अमजद भाई हमारे साथ हैं, इंजीनियर सफीस अहमद गुलबर्गा शरीफ से, आबिश रामपुरी मुंबई से, डॉक्टर अहमद अली बरगे अजमी दिल्ली से, एहसान इलाही एहसान चकवाल से, वाशिंगटन कैनेडा अमेरिका यूएसए फ्रांस स्वीडन पेरिस सऊदी अरब पूरी दुनिया से तकरीबन लोगों ने दोस्तों ने यहाँ शिरकत की, इन 304 मुशायरों में 731 के करीब शोरा इकराम ने शिरकत की, ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है और यकीनन हमने सबके दिलों पर मोहब्बत से अपने होने का एहसास सब किया है और अपने दिल पर हमने उन अहबाब की मोहब्बतें सब किए, यकीनन मौजे बहुत बहुत मुबारकबाद, इस कोरोनाई घुटन ज्यादा माहौल में जहाँ हमारे सीनियर शोरा इकराम हमारे बुजुर्ग हमारे असाज़दा घरों में मुकैद हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, यकीन कीजिएगा कोरोनाई घुटन का शिकार है, हम उन्हें चंद लम्हे खुशियों के मुहैया करने के लिए ये सिर्फ कोशिश करते हैं और यकीन कीजिए जब किसी दोस्त का एक शेर भी समाप्त में रस घुलता है तो सारी थकन हो जाती है, दूसरे मुशायरे के लिए चौबंद हो जाते हैं, चाकू चौबंद हो जाते हैं और यकीनन इसी तरह हम अपने इस सिलसिले को चला रहे हैं।